यहाँ तो हमेशा ही पानी रहता है, गर्मी में हटता ही नहीं। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो आसपास के लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। फैक्ट्री में, फैक्ट्री कहते हैं या इसे कारखाना, मुझे नहीं पता। यहाँ हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी हम मौजूद हैं अम्मा माई में, और गाइस ये पड़ता है अपन को बिसापुर और जोगाटोला, जोगाटोला के बीच में, गाइस बीचों बीच में। और यहाँ पे मैं आया हूँ गोलू भाई के साथ। और गाइस यहाँ पीछे मंदिर है, आप देख सकते हैं अम्बा माई पे, अम्मा माई इसका नाम ही है गाइस। और मैं यहाँ सेकेंड बार आया हूँ, मुझे याद है मैं आया था महादेव निकले थे हमारे घर से तब। और गाइस यहाँ गोलू पानी पानी निकाल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कुआं भी बना हुआ है गाइस। अरे कितना गहरा कुआं है गोलू, अभी एक पुरुष का होगा। और गाइस यहाँ एक नाला है, यहाँ पर अभी तक पानी है। और यहाँ तो हमेशा ही पानी रहता है, गर्मी में हटता ही नहीं, यहाँ पे पानी रहता है। और इसको गोलू को प्यास लगी तो पानी पी रहा है गाइस अभी। गाइस ये कुएं का पानी कुछ इस तरह का है, यहाँ पे पूरा गंदा पड़ा हुआ है। और हम आए हैं तो यहाँ दर्शन कर लेते हैं गाइस। आप ऐसे ब्लॉग पे बने रहें, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब वो भी कर दें। चुके हैं दर्शन करके। यहाँ पे दो मंदिर है, यहाँ बैठे हैं अपने भोले बाबा, और यहाँ पे भी हैं वो मुझे पता नहीं। और गाइस क्या बोलते हैं, हम लोग जा रहे हैं फेंसिंग तार के लिए अघासी, जो कटंगी के पास है। और हमने खाना वाना खा लिया है, तो चलिए गाइस अपन निकलते हैं अब धीरे धीरे। और गाइस यहाँ आम के दो पेड़ हैं, नींबू का भी पेड़ है, और ये रहा आम का पेड़ इधर पे और एक उधर पे है। और गाइस ये बीच जंगल में है, तो यहाँ मस्त नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अपन मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एक अच्छा अनुभव मिल सकता है अपन को यहाँ आके। तो गैस आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो आसपास के लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, मैं तो सेकंड बार आया हूँ। अब मैं ही क्या बोल रहा हूँ गोलू, मालूम क्या, मैंने जब भी 8 बजे तैयारी कर लिया था आने की, तो हुआ क्या, वो कोपा आया, वो भी आऊँ कह रहा था सूर्य का बुआ को लेने के लिए, साला वो रोक रहा था। वो अजय बोला मैं आऊँगा, इसलिए मैं कपड़े पहना था, तैयारी किया था ना, मैंने उतार दिया वो मैं नए नए में रह के अभी, फिर मेरे को आना ही पड़ा। अभी ऐसा हुआ, मेरे को लगा तू आता ही नहीं आता, मैंने रवि को भी बोला था, वो भी पठान के यहाँ चले गया भोसड़ी का, झाट काम नहीं सुनते कोई तोड़ो क्या। तो गैस हमारी गाड़ी है यहाँ पे, हमने खड़ी कर दिए थे, अब हम निकलते हैं, सीधा मिलते हैं अपन कटंगी के तरफ। और एक बात गाइस, हम अभी मौजूद हैं पहाड़ी एरिया पे, आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं गाइस इधर पूरा पहाड़ी है। और ये जो मंदिर है ना गाइस, ये झिलान पे, मैंने तो देखा है अक्सर कि मंदिर पहाड़ियों पे होता है, और आपने भी देखे होंगे, लेकिन ये मंदिर झिलान पे है अम्मा माई का, पता नहीं कैसे और क्यों, बस मुझे यही बताना था इसे। और गाइस हम लोग बीच जंगल पे, तो मुझे डर भी लग रहा था, हम यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई नहीं, और यहाँ हम मौजूद दो ही लोग हैं। तो चले गाइस मिलते हैं आपसे सीधा कटेंगे अगासी के आसपास। गाइस हम कटेंगी लग चुके हैं और जा रहे हैं आगरी को, और हमें यही पता नहीं कि आगरी जाने वाली रास्ता है कौन सा, हम जा रहे हैं गाइस अभी जाम, रेत वाली जाम। चले गाइस उधर ही मिलते हैं आपसे, लगभग समय हो चुके हैं 12, और हमें अगासी के पास, और गोलू भाई को बात करने में शर्म आती कैमरा के सामने, इसलिए आवाज मेरा। तो चलिए गाइस अपन धीरे धीरे चलते हैं आगरी, यहाँ से थोड़े पास पे है, और आप ऐसे बने रहे क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ को ब्लॉक को यहीं रोकना पड़ेगा। तो हम पहुँच चुके हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री कहते हैं या इसे कारखाना मुझे नहीं पता, यहाँ फेंसिंग तार बनाते हैं। और गाइस हम अभी गए थे रेहतवाड़ी जहाँ, वहाँ से खाना वाना खा के आए हैं, और अभी समय हो रहा है 4:48, और हम अभी यहीं मौजूद है। घर जाने तक, घर जाते तक तो हमें 8 तो बजना ही बजना है, क्योंकि घर भी यहाँ से मेरा, मतलब गांव भी यहाँ से मेरा काफ़ी दूर है, 63 किलोमीटर के आसपास। और गाइस चलो अपन फेंसिंग वेंसिंग का बातचीत कर लेते हैं तब तक। और यहाँ भैया लोगों का काम चालू, जैसे आप देख सकते हैं, और गाइस उधर मशीन से फेंसिंग तार बना रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं उधर मशीन चालू है अभी। और गाइस क्या बोलते हैं, ऐसे हमने तो ऑर्डर दिए थे 2 फेंसिंग तारों का, लेकिन हमें यहाँ मौजूदगी में एक ही मिला था, हम इसी एक को ही ले जाना पड़ेगा। दोस्तों आप मानोगे नहीं, यहाँ इतना अंधाधुंध बारिश हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि खाली पीली था, मैं बोला जो वीडियो बना लेते हैं, तो पता नहीं बारिश कब रुकेगी और हमारा जाना कब होगा। अभी समय हो रहे 5:57, अभी 3 मिनट बाद 6 बजने वाले हैं, और अभी हम मौजूद हैं फतरवाड़ा के पास, और हम कटेंगे से सबल तो पूर्वक नक चुके हैं गाइस। और हम उधर रुके नहीं, जो मेरे साथ में था, जो अभी आया तो नहीं लेकिन हमारे बाद में आया, तो गाइस वो उसके लिए हम रुके हैं, जो कि कटंगी पे रुका हुआ है। और अभी पानी भी गिर रहा है गाइस हल्का हल्का, और आप मौसम देख सकते हैं इधर से,
थोड़ा थोड़ा आ रहा है। गोलू पूरा नर्वस हो चुका है, ये मतलब ये आना नहीं चाहता था, फिर भी मैं इसको जबरदस्ती लाया कि जल्दी आएंगे और हम जल्दी जा नहीं पाए घर। और गोलू को शकल देख लो, कुछ तो बोल बे कुत्ते, कैसे कुछ बोल नहीं रहा, ये हंसता भी बहुत ही ज़्यादा कैमरे के सामने, शर्माता है। और हमारे साथ ही पता नहीं कब आएंगे हम गाइस, धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं, अब सीधा मिलते हैं आपसे घर पे, क्योंकि गाइस हम ब्लॉग तो बना नहीं पाऊंगा, यहाँ पर सामान भी थोड़ा ज़्यादा ही, अपने फेंसिंग तार वगैरह, और ये दो लाने वाले थे लेकिन गाइस हमको मिला एक ही, तो हम एक ही को लेके जा रहे हैं, पर दो चार दिन बाद और आना पड़ेगा हमें लेने के लिए, और इसे जब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा। और एक फेंसिंग तार लाने का हमारा प्लान है, तो आज या कल में हम जाएंगे लाने के लिए। और गाइस इसी के साथ अपन करते हैं ब्लॉग को एंड, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, क्योंकि गाइस अभी यूट्यूब ने भी वीडियो की रीच पूरी ख़त्म कर दी है, दो चार लोग ही बस व्यू आ रहे हैं मेरे पास, और क्या बोल लूँ, आप सपोर्ट करो थोड़ा सा बस।